मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। तो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। इन दिनों सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन के प्यार की कहानी खूब सुर्खियाँ बटोर रही है। वहीं यूपी के जालौन से ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है। यहाँ की रहने वाली अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए देश की सीमा को लांघकर पाकिस्तान जा पहुंची है। रविवार को पाकिस्तान की जांच एजेंसियों की अनुमति के बाद उसे एंट्री दी गई। वहीं सीमा हैदर के बाद अब अंजू का मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 34 वर्षीय अंजू का जन्म जालौन के कैलोर गांव में हुआ था। अंजू की दोस्ती 2020 में पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से फेसबुक के जरिए हुई थी। इस दौरान लंबी बातों का सिलसिला चलता रहा और फिर अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने की खातिर अंजू पाकिस्तान विजिटिंग वीजा पर चली गई। हाल ही में उनसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि यहाँ पर वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई है और घूमने के बाद वो वापस लौट आएगी। हालांकि अंजू के पति अरविंद का कहना है कि उसे खुद इसकी जानकारी नहीं है आखिर अंजू कैसे पाकिस्तान चली गई। अंजू है वो आपकी कौन लगती है? वो मतलब देखती लगती है, लड़की की लड़की है ना, जेठ की बेटी है, उनकी बेटी है। अच्छा, अभी पता चला कि वो कहीं चली गई, दूसरे देश चली गई। आप क्या कहेंगे इस विषय में? हम तो बेटा क्या कह सकते हैं। अभी दीमान जी आए थे, उन्होंने पूछा, जब हमें मालूम पड़ा उनके मामी मामा नानी वो रहते हैं माधवगढ़ में। अच्छा, हम तो सब बड़े को बहुत गरीब आदमी, हमारे झोंपड़ी पड़ी है। नहीं उससे मतलब आपकी जो है हाँ, तो हम नानी ही लगते हैं, लेकिन हम गांव में रहते हैं, वो माधवगढ़ में। और ये मतलब मामा है, परिवार के हैं, लेकिन उनके सगे मामा वही है। संपर्क उनसे रहता है? हमसे बेटा नहीं रहता, वो ईसाई धर्म में गए और शादी उनकी बेवाड़ी से ही हुई थी। अच्छा, बेवाड़ी। हाँ, वो मतलब पता नहीं मद्रासी के साथ किसके साथ, इस धर्म मतलब इस धर्म में कोई। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी नातिन की? आपकी नातिन की शादी कितने साल पहले हुई थी? इससे तो बहुत साल हो गए। उसकी लड़की कितनी साल की है? जवान लड़की हो रही है इसकी। बेटा इतना तो वो नहीं है, उन्हें माधोईगढ़ से पता लगेगा। बाबू लड़की भी जवान, एक लड़का है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? रोशन लाल वर्मा। अच्छा, क्या जो अंजू है, सुना बताया जा रहा है, जो पासपोर्ट बनवा के पाकिस्तान गई, शादी कर ली, क्या रिश्ता है आपसे? क्या जानकारी है उसके विषय में आपको? हमारी भांजी है जी। कब जानकारी प्राप्त हुई कि वो बाहर चली गई? ये जानकारी मुझे आज ही प्राप्त हुई है थाने के जरिए। अच्छा, क्योंकि हमारे पास माधोपुर थाने से एक दीवान जी आए थे जी, तो उन्होंने मुझे मोबाइल में फ़ोटो दिखाई, तो उन्होंने बोला कि ये कौन है, मैं बोला हमारी भांजी है। बस इतनी बात कहकर के वो चले गए। इसके बाद फिर मुझे थाने बुलाया। अच्छा, भांजी रहती कहाँ थी? ये भिवाड़ी, राजस्थान। अच्छा, तो आपका संपर्क कब से नहीं हुआ भांजी से या उसके परिवार वालों से? नहीं, हम संपर्क रखते नहीं थे उनसे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान ले रखा था अलग, वो क्रिश्चियन धर्म के थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो जैसे आपकी भांजी कहीं पाकिस्तान चली गई ऐसा बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस विषय में? हमें इसके बारे में कोई जानकारी तो है नहीं है जी, क्योंकि मुझे आज ही जानकारी हुई है। आज ही हमारे पास पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमसे जितना पूछा उतना हमने बता दिया है, क्योंकि हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं था, ना हमारा आना जाना था, क्योंकि वो अलग धर्म के थे। धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्होंने? जी जी जी। अच्छा, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म में थे, वो हिंदू धर्म में थे नहीं। अच्छा अच्छा। तो हमारा उनसे मतलब बोलना चालना थोड़ा कम ही रहता था। अच्छा अच्छा। कभी पैर छूना या कुछ मतलब ऐसा कुछ था नहीं उनका, तो बहुत ही कम संपर्क रहता था। कभी हम राजस्थान गए भी नहीं उनके पास में। इसकी ससुराल कहाँ थी? ससुराल के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्रिश्चियन धर्म में होता क्या है कि इसमें कोई बिरादरी नहीं देखी जाती है। इसमें जैसे कि संपर्क कोर्ट मैरिज के टाइप में जो होता है, उस हिसाब से शादी इनकी हुई थी। इतनी में जानकारी। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए वैलिड वीजे से गई है। पाकिस्तान की जांच एजेंसी के जांच करने के बाद उसे अंदर जाने की इजाजत भी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू ने बाघा सीमा से पाकिस्तान में प्रवेश किया और वहां से इस्लामाबाद चली गई। चूंकि वो वैध वीजा पर पहुंची थी, इसलिए पाकिस्तानी अधिकारियों को मामले की जानकारी थी। उन्होंने इसकी पूरी छानबीन भी की। अंजू अभी खैबर प्रांत के मालाकंड जिले में है और सुरक्षा टीम ने उनसे पूछताछ की है। वीजा के अनुसार उसे पाकिस्तान में 30 दिन रहने की अनुमति दी गई है। पाकिस्तान पहुंची अंजू ने मीडिया से गुजारिश करते हुए सोशल मीडिया पर एक अपील जारी की है और कहा है, मैं लीगल तरीके से यहां पर आई हूं, आज मैं यहां पर बिल्कुल सेफ हूं, 2-4 दिन में भारत लौट आऊंगी, मैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ आई हूं और जल्दी ही वापस आऊंगी, मेरे रिश्तेदारों और बच्चों को परेशान ना किया जाए। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ, ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें, बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। हालांकि अंजू के फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कहना है कि वो अंजू से शादी करेगा, अंजू जब भारत से लौट आएगी तब उससे शादी करेगा। अंजू की शादी बलिया के रहने वाले अरविंद से हुई थी। अंजू ने हिंदू होने के बावजूद ईसाई धर्म को अपनाकर शादी की थी। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने की खबर जब अंजू के पति अरविंद को लगी तो उसने सरकार से अपील करते हुए कहा कि अंजू को वापस बुला लिया जाए। वहीं अंजू ने कहा कि मेरे और पति के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, वो उसे परेशान करता है, वो उससे अलग रहना चाहती है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।